हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर्स की सीरीज़। और इस लेक्चर में हम बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का 2022-23 का AKTU का क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5-5 ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है वो हमारे 10 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कम्प्लीटली 20 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ हकल रूल। यहाँ पर हमें जो है हकल रूल के बारे में बताना है कि हकल रूल होता क्या है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल एंड मस्ट फॉलो दिस रूल फॉर एरोमेटिसिटी। हकल रूल जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, और जो भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है वो हमारा इस हकल रूल को ज़रूर फॉलो करता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है। अब उसमें से हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारा एरोमेटिक है, तो उसमें जो हमारा हकल रूल को फॉलो करेगा तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। मतलब बेसिकली हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स के अलग अलग जो है और प्रॉपर्टीज़ भी देखी जाती है कि वो जो है हमारा प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, बट हमारा ये जो है हमारा हकल रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारी एक जो है रूल है जो कि हमारा एरोमेटिसिटी शो करने के लिए हमारा मस्ट होता है। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है तो वो हमारा हकल रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। इसमें हमारा जो है एक इक्वेशन आ जाती है, ये हमारी आती है 4n+2 = π इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमारा n जो है वो हमारा इंटीजर्स है। अब कोई भी हमारा कंपाउंड है, जैसे हमारा बेंजीन है, बेंजीन में हमारे जो है 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम जो है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वहाँ पर हमारा जो है 6π इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम उसके जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पर हम जो है n की वैल्यू निकालते हैं। अब n की वैल्यू अगर इंटीजर आती है तो वहाँ जो है हमारा ये रूल जो है हमारा फॉलो करता है। अगर हमारा वहाँ पे n की वैल्यू जो है वो हमारी नॉन इंटीजर आ रही है तो ये हमारा रूल जो है वो हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम जो है बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारा हकल रूल को फॉलो करता है और कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारा हकल रूल को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ DDT एंड इट्स यूजेस। हमें जो है DDT का स्ट्रक्चर बताना और उसके यूज के बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ हम जो है DDT का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले DDT की फुल फॉर्म देख लेते हैं। अब DDT की फुल फॉर्म आती है हमारी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इस तरीके से हमारा इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमारे 2 फिनाइल रिंग होती है जिसके साथ हमारे जो है 2 क्लोरो ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो इथेन चेन होती है और उसके साथ हमारे 3 क्लोरो ग्रुप जो है वो हमारे यहाँ पे अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसका नाम रखते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट हम इसका यूज़ देख लेते हैं, कहाँ कहाँ हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो होता है हमारा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ करा जाता है। मतलब ये जो हमारा इंसेक्ट को किल करने में हम जो है इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनोल। यहाँ पे हमें जो फिनोल का स्ट्रक्चर और उसके यूज के बारे में बताना है। अब फिनोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, नीचे जो है एक बेंजीन रिंग होती है, उसमें से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करा के वहाँ पे हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन करा देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है फिनोल। नेक्स्ट हम इसका यूज़ देख लेते हैं, इट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल ऑफ ड्रग। बहुत सारे ड्रग्स के फॉर्मेशन में, उसकी सिंथेसिस में हम जो है फिनोल का यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिजर्वेटिव्स। अब फिनोल की जो होती है हमारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो हमारे जो बहुत सारी फॉर्मुलेशन में हम जो है एज अ प्रिजर्वेटिव्स भी हम फिनोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीसेप्टिक एंड डिसइनफेक्टेंट्स। और फिनोल को जो है हम हाई कंसनट्रेशन में हम जो है एंटीसेप्टिक और हमारे डिसइनफेक्टेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ फिनोल। तो उम्मीद है गाइज आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फैट एंड ऑयल्स, गिव एग्जांपल। यहाँ पे हमें जो है फैट और ऑयल्स के बारे में बताना है कि फैट और ऑयल्स होते क्या हैं और उनके एग्जांपल्स के बारे में भी बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारी बात आती है फैट्स की। तो फैट जो होते हैं वो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं विद ग्लिसरॉल। यहाँ पे हमारा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ। हमारा फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा वुल फैट। नेक्स्ट आता है हमारा ऑयल। ऑयल जो होता है वो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं विद ग्लिसरॉल। हमारा ऑयल्स में जो होता है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, और ऑयल जो होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारा ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर बहुत सारे ऑयल जो भी आप रेगुलर यूज़ में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एसिड वैल्यू, गिव इट्स यूजेस। हमें जो है एसिड वैल्यू के बारे में बताना है कि एसिड वैल्यू होती क्या है और उसके यूजेस के बारे में बताना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिड वैल्यू होती क्या है। नंबर ऑफ mg ऑफ KH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन सैंपल। अब यहाँ पे हमारा सैंपल क्या है, हमारा
जो भी हम ऑयल या फिर फैट ले रहे हैं उसमें हमारा कितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा कितना क्यू एच जो वो हमारा रिक्वायर है, मतलब कितना क्यू एच जो वो हमारा फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगेगा, उसे हम कहते हैं एसिड वैल्यू। जितना ज़्यादा हमारा क्यू एच लगेगा उतनी ज़्यादा हमारी एसिड वैल्यू होगी। बेसिकली हमारा एसिड वैल्यू जो होती है वो हमारा क्यू एच को रिप्रेजेंट करती है, कि कितना हमारा क्यू एच जो है वो हमारा फ्री फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड है। इट इज़ मेजर्ड फ्री फैटी एसिड्स, ये जो होता है हमारा फ्री फैटी एसिड्स को मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है, कि किसी भी हमारा सैंपल है ऑयल या फैट का उसमें हमारा कितने फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स होंगे उतने ज़्यादा हमारा वो जो सब्सटेंस है वो हमारा अनसेफ होगा हमारा ह्यूमन कंजप्शन के लिए, मतलब जितने ज़्यादा फैटी एसिड्स उतना ही वो जो हमारा हार्मफुल होगा हमारा ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि कौन सा हमारा ऑयल या फिर फैट जो होता है वो हमारा ह्यूमन कंजप्शन के लिए हार्मफुल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन आयोडीन वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस। यहाँ पे हमें जो आयोडीन वैल्यू को एक्सप्लेन करना है और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आयोडीन वैल्यू को। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट वुड एडेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल। यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा कितने ग्राम जो है आयोडीन हम उसको ऐड करवा सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स में, जो कि हमारा 100 ग्राम सैंपल में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे सैंपल क्या है हमारा, कोई भी हम ऑयल या फिर जो भी हम फैट ले रहे हैं वो उसको हम जो है 100 ग्राम लेंगे। अब उसमें जितने भी हमारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, अब उन डबल बॉन्ड्स में हम जो है ब्रेक करवा के कितने हम जो है उसमें आयोडीन जो है ऐड करवा सकते हैं, उसे हम कहते हैं आयोडीन वैल्यू। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से समझिए, ये आपकी जो है चेन है जो कि आपके सैंपल में मतलब ऑयल या फिर फैट की कोई भी चेन है उसमें हमारा ये जो है हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसमें होता क्या है, जब हम इसको जो है ट्रीट करवाते हैं आयोडीन के साथ, तो ये जो हमारा ये डबल बॉन्ड जो है वो हमारा ब्रेक होके यहाँ पे हमारा जो है एक आयोडीन ऊपर लग जाता है और एक आयोडीन आइटम नीचे लग जाता है। तो इस तरीके से ये जो होता है हमारा अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करके हमारा जो है अब ये जो हमारा हैलोजन आइटम है हमारा आयोडीन जो होता है वो हमारा अपटेक हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो आयोडीन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट मेजर द डबल बॉन्ड्स, ये जो होता है हमारे डबल बॉन्ड्स को मेजर करने में हेल्प करता है, कि कितने हमारे जो सैंपल में या फिर कोई भी हमारा ऑयल या फिर फैट है उसमें हमारे कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा हमारे आयोडीन जो है वो अटैच हो जाएंगे, जितने ज़्यादा आयोडीन अटैच होंगे उतने ज़्यादा हमारे जो है आयोडीन वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम जो है डबल बॉन्ड्स को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बता रखा है जितने ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो है रैपिड रेंसिडिटी होगी, मतलब जितने ज़्यादा हमारे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे हमारे कोई भी ऑयल या फिर फैट में, तो उतने ही हमारे उसके जो है रेंसिडिटी के चांसेस जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्पूनिफिकेशन वैल्यू। यहाँ पे हमें जो है स्पूनिफिकेशन वैल्यू की डिफाइन देनी है, कि स्पूनिफिकेशन वैल्यू होती है। स्पूनिफिकेशन वैल्यू, नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज 1 ग्राम ऑफ सैंपल। यहाँ पे हमारा सैंपल क्या है, हमारा ऑयल या फिर फैट, हमारा 1 ग्राम ऑयल या फिर फैट को हम कम्प्लीटली अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसमें हमारा कितना QH जो है वो हमारा रिक्वायर्ड होगा, उसे हम कहते हैं स्पूनिफिकेशन वैल्यू। अब यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है, कि हमारा एसिड वैल्यू में हमने क्या करा था, हमने जो है फ्री फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करके वहाँ पे हमने जो है एसिड वैल्यू को निकाला था, बट यहाँ पे हमारा जो है फ्री फैटी एसिड्स और हमारा कंबाइंड फैटी एसिड्स दोनों को ही हम जो है न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज। मतलब हमें 1 ग्राम ऑयल या फिर फैट्स को कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज करने के लिए कितना हमारा जो KOH रिक्वायर्ड है उसे हम कहेंगे स्पूनिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एस्टर वैल्यू। यहाँ पे हमें जो एस्टर वैल्यू के बारे में बताने की, एस्टर वैल्यू होती है, इसमें आपको जो है कोरिलेशन पता लग जाएगा कि स्पूनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू और एस्टर वैल्यू में क्या कोरिलेशन है। इसमें हमारा सबसे पहले आता है एस्टर वैल्यू की डिफाइन, नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू स्पूनिफाई एस्टर्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सैंपल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एस्टर्स की, मतलब यहाँ पे हमारा जो है कितना QH जो रिक्वायर्ड है हमारे एस्टर्स को स्पूनिफाई करने के लिए, हमारा 1 ग्राम जो है उसमें हमारे एस्टर्स प्रेजेंट होंगे, उन एस्टर्स को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा कितना QH रिक्वायर्ड है उसे हम कहेंगे एस्टर वैल्यू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्पूनिफिकेशन वैल्यू की, तो स्पूनिफिकेशन वैल्यू में हमने जो है 1 ग्राम सैंपल को कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज करा था। कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज करने का मतलब है यहाँ पे हमने जो है फ्री फैटी एसिड्स और कंबाइंड फैटी एसिड्स दोनों को ही हमने जो है हाइड्रोलाइज करा था, तो हमारा जो ये रीडिंग आ जाएगी हमारी मतलब कंबाइंड की, मतलब कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज करने में हमारा कितना QH जो है वो रिक्वायर्ड है उसे हम कहेंगे स्पूनिफिकेशन वैल्यू। और हमारा एसिड वैल्यू में हमने क्या देखा था, कि हमारा जितने फ्री फैटी एसिड्स हैं उन फ्री फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना QH रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं एसिड वैल्यू। अब हमारा एस्टर वैल्यू क्या है, एस्टर वैल्यू है हमारा कितने हमारे जो है 1 ग्राम सैंपल में हमारे कंबाइंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, अब उन कंबाइंड फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा कितना QH रिक्वायर्ड है उसे हम कहेंगे एस्टर वैल्यू। अब यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए कि स्पूनिफिकेशन वैल्यू में हमारा जो है कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज आ गया, इसमें हम जो है मतलब फ्री फैटी एसिड्स और हम कंबाइंड फैटी एसिड्स दोनों को ही हम जो है हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पूनिफिकेशन वैल्यू।
अब यहाँ पे हमारा एसिड वैल्यू में फ्री फैटी एसिड्स के बारे में देखा था, अब यहाँ पे हमें कंबाइंड फैटी एसिड्स निकालना है कि हमारा कंबाइंड फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना QH रिक्वायर्ड है। तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि कंबाइंड फैटी एसिड्स को एक तरफ ले जाइए और हमारा टोटल हमारा जो है फैटी एसिड हमारा कंबाइंड और फ्री हमारे दोनों हमारे स्पूनिफिकेशन वैल्यू में आ जाएंगे, तो हमारा टोटल माइनस एसिड वैल्यू, एसिड वैल्यू में हमारा फ्री फैटी एसिड्स हो जाएंगे, तो हमारा टोटल में से हम जो है फ्री फैटी एसिड्स को रिमूव करवा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कंबाइंड फैटी एसिड्स। और इस तरीके से हमारा जो है एस्टर वैल्यू हमारा क्या होती है, हमारा कितना हमारा QH जो है वो हमारा रिक्वायर्ड है हमारा कंबाइंड फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे हम कहते हैं एस्टर वैल्यू। तो इस तरीके से हम जो है टोटल में से अगर हम फ्री फैटी एसिड्स मतलब एसिड वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो इस तरीके से हम जो है ईजिली एस्टर वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ रिसोर्सिनॉल। यहाँ पे हमें जो है रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर और उसके यूज के बारे में देखना है। हमारा रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारा एक बेंजीन रिंग होती है जिसमें हमारा दो OH ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो है रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। रिसोर्सिनॉल जो होता है वो हमारा डिसइंफेक्टेंट्स की तरह यूज़ करा जाता है और हमारा एंटीसेप्टिक्स की तरह यूज़ करा जाता है। बेसिकली अगर हम रिसोर्सिनॉल की कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो वो हमारा डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट करेगा, और अगर हम कंसनट्रेशन को रिड्यूस कर देंगे तो वो हमारा एंटीसेप्टिक दो बेंजीन रिंग होती है जो कि आपस में फ्यूज्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं नेफ्थलीन। नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इसमें फर्स्ट आता है इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये जो हमारा कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकेंड आता है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 82 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 218 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 82 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट बता रखा है 218 डिग्री सेल्सियस। थर्ड पॉइंट आता है इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जो होता है हमारा वाटर में सही से सॉल्युबलाइज नहीं होता है, इसलिए हम जो है नेफ्थलीन को इनसॉल्युबल कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मॉथ बॉल ऑर्डर, मतलब इसकी ऑर्डर बता रखी है कि इसकी ऑर्डर जो होती है मतलब खुशबू जो होती है इसकी मॉथ बॉल वाली होती है। तो इसी के साथ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेफ्थलीन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेफ्थलीन। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाती है रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेफ्थलीन लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एट 78 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 1,4 डाईहाइड्रो नेफ्थलीन में। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमारा 1 और 4 पोजिशन पर हमारे दो हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो हमारे अटैच हो जाते हैं। इसी तरीके से सेकंड आता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली नेफ्थलीन लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, और यहाँ पे हमारा जो है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 1,4 नेफ्था क्यूनोन में। यहाँ पे हमारा जो है 1 और 4 पोजीशन पे हमारे ऑक्सीजन एटम जो है वो हमारे अटैच हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसको जो है ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है नेफ्थलीन की। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे जो है 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें हमारे जो है चॉइस है कि हमें कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कम्प्लीटली 20 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड गिव इट्स लिमिटेशंस। यहाँ पे हमें जो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है और फिर उसकी जो है हमें लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में, और फिर बाद में हम इसकी जो है लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है एडोल्फ बेयर प्रपोज दिस थ्योरी इन 1885। एडोल्फ बेयर नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज करा था 1885 में। ही एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन्स, और इन्होंने स्टार्टिंग के कुछ साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करा था। ही एज्यूम दैट ऑल साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर, और इन्होंने एज्यूम करा था कि सभी साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारे प्लेनर होते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स डिपेंड अपॉन एंगल स्ट्रेन, और इन्होंने बताया था कि हमारा स्टेबिलिटी जो होती है सभी साइक्लोएल्केन्स की वो हमारे एंगल स्ट्रेन पर डिपेंड होती है। हमारा बेसिकली एंगल स्ट्रेन जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, कि जैसे जैसे हम एंगल स्ट्रेन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा स्टेबिलिटी जो है वो हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि एंगल स्ट्रेन होता क्या है। एंगल डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल, मतलब डिजायर्ड एंगल और हमारा एक्चुअल एंगल में जितना डिफरेंस है उसे हम कह रहे हैं एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन को हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, हमारा एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस एक्चुअल एंगल। अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल एंगल जो होता है वो सभी साइक्लोएल्केन्स का अलग अलग होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रखा है साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन का हमारा एक्चुअल एंगल जो होता है वो हमारा 60 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम जो है एंगल स्ट्रेन को ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं।
बेसिकली हमारा एंगल जो डिजायर्ड एंगल होता है वो हमारा ये कंप्लीट एंगल होता है, और हमारा एक्चुअल एंगल जो होता है वो हमारा सिर्फ साइक्लोएल्केन्स का जो हमारा एंगल होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में, उसे हम कहते हैं एक्चुअल एंगल। तो इस तरीके से हम इजिली एंगल स्ट्रेन डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स आर एज फॉलो। बेसिकली हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने जो है स्टेबिलिटी बताई थी सभी साइक्लोएल्केन्स की। इसमें हमारा सबसे पहले आता है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे कम होती है, फिर उससे ज़्यादा होती है हमारे साइक्लोब्यूटेन की, और साइक्लोब्यूटेन से ज़्यादा होती है हमारी साइक्लोहेक्सेन की, और साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा होती है हमारी साइक्लोपेंटेन की। अब इन्होंने क्या बताया था कि हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अगर हम अकॉर्डिंग चलें तो हमारा साइक्लोहेक्सेन जो है वो हमारा साइक्लोपेंटेन से कम स्टेबल होता है। नेक्स्ट अब हम बेयर स्ट्रेन थ्योरीज की लिमिटेशंस के बारे में देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, हायर साइक्लोएल्केन्स नॉट फॉलो दिस रूल। जितने भी हमारे हायर साइक्लोएल्केन्स थे वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, दे डू नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। और इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या थी कि इन्होंने जो है रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा था। थर्ड पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन बट प्रैक्टिकली इट इज़ रिवर्स। अब हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरीज के बारे अकॉर्डिंग हम चलें तो हमारा साइक्लोहेक्सेन जो है वो हमारा साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा स्टेबल होता है, बट हमारा प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये जो हमारा इसका उल्टा होता है, क्योंकि हमारा साइक्लोहेक्सेन जो है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल है हमारा साइक्लोपेंटेन से। तो इस तरीके से हमारी ये कुछ लिमिटेशंस थी हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरीज की। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने देखा था बेयर स्ट्रेन थ्योरी को और फिर उसके जो हमने लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सेसेमोर थ्योरी एंड गिव रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। चलिए सबसे पहले हम सेसेमोर थ्योरी देख लेते हैं। सेसे एंड मोर प्रपोज दिस थ्योरी इन 1918। हमारा 1918 में सेसे और मोर ने मिलकर ये थ्योरी को प्रपोज करा था। दे एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स, और इन्होंने जो है साइक्लोहेक्सेन और हायर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करा था। अकॉर्डिंग टू सेसेमोर थ्योरी साइक्लोएल्केन्स आर नॉट इन अ प्लेन। सेसेमोर थ्योरी कहती है कि हमारे साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारा प्लेनर नहीं होते हैं, जैसा कि हमारा बेयर्स थ्योरी ने कहा था कि हमारा सभी साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारा प्लेनर होते हैं, बट ये इन्होंने कहा था कि हमारा साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारा प्लेनर नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही प्रपोज दैट हायर मेंबर रिंग कैन फ्री फ्रॉम स्ट्रेन इफ़ ऑल रिंग कार्बन आर नॉट फोर्स्ड इनटू वन प्लेन। अगर हम इन्होंने बताया था कि अगर हम रिंग के सभी कार्बन्स को सिंगल प्लेन में अगर फोर्स ना करें तो हमारी हायर मेंबर रिंग जो है वो हमारी उन पे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होगा। दीज आर स्ट्रेनलेस अज द कार्बन एटम्स लाइज इन डिफरेंट प्लेन्स, और ये जो होता है हमारा स्ट्रेनलेस होंगी क्योंकि हमारा सभी कार्बन एटम्स जो है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में प्रेजेंट है। एंड द नॉर्मल एंगल इज रिटेन, हमारा जो है नॉर्मल एंगल अगर हमारा वहाँ पे स्ट्रेन नहीं होगा तो हमारा नॉर्मल एंगल इजिली हमारा रिटेन हो जाएगा, और हमारा नॉर्मल एंगल कितना होता है 109 degree 28 minutes। तो ये जो हमारा इजिली रिटेन हो जाएगा अगर हमारा जो है सभी कार्बन एटम्स को जो है रिंग के सभी कार्बन एटम्स को डिफरेंट प्लेन में अगर हम लाई करेंगे तो। तो इन्होंने जो है सेसेमोर थ्योरी ने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शंस के बारे में। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन गिव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये जो होता है हमारा दो तरीके की रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। चलिए एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें होता क्या, हमारा वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बट रिंग डज नॉट अफेक्ट इट। इसमें जो होता है हमारा एक हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है अनदर एटम के साथ, और हमारा इसमें जो है रिंग जो है वो हमारी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती, मतलब रिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक हाइड्रोजन एटम सिंपल रिप्लेस हो जाएगा। इसमें हमारा फर्स्ट आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, इट ऑकर इन यूवी रेडिएशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारा यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में होता है। इसमें हमारा साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो हमारा Cl2 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, और ये जो होता है हमारा ये वाला प्रोडक्ट दे देता है और हमारा HCl यहाँ से रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से हमारा सेम रिएक्शन हमारा साइक्लोब्यूटेन भी दे देगा। साइक्लोब्यूटेन भी हमारा जो है Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, और ये भी हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बता देगा। इसमें हमारा सिंपली एक हाइड्रोजन जो है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है, और एक हाइड्रोजन की जगह जो है हमारा Cl आ जाएगा, और हमारा एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिलीज होकर वो हमारा इसके Cl के साथ रिएक्ट करके हमारा जो है HCl बना देगा। तो हमारा एक हाइड्रोजन जो हमारा एक Cl है वो हमारा HCl में चला जाएगा, और एक Cl जो है वो हमारा इसमें अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड विल ब्रेक एंड रिंग विल ओपन। इसमें क्या होता है, हमारा बॉन्ड जो है वो हमारा ब्रेक हो जाता है और हमारा रिंग जो है वो हमारी ओपन हो जाती है, बट यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिंग पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बट हमारा एडिशन रिएक्शन में जो होता है हमारा रिंग ओपन हो जाती है। हायर साइक्लोएल्केन्स डज नॉट गिव दिस रिएक्शंस, और हायर साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारा ये वाली रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब एडिशन रिएक्शन जो है हमारा हायर साइक्लोएल्केन्स नहीं देंगे।
इसमें हमारा एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट आ जाता है एडिशन ऑफ हेलोजन। यहाँ पे हम जो है हेलोजन एटम का एडिशन कर रहे हैं। इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड एब्सेंस ऑफ लाइट। ये रिएक्शन जो होती है हमारी डार्क प्लेस पे होती है और हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट जो होता है वो हमारा CCl4 यूज़ करा जाता है। यहाँ पे हमारा सिंपल साइक्लोप्रोपेन लेंगे, उसका हम रिएक्शन कराएंगे CCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ये जो होता है हमारा डार्क कंडीशन में होगा और यहाँ पे हमारा जो है 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइक्लोब्यूटेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। और हमारा साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन जो होता है वो और हमारा जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स है वो हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन जो है ये वाली रिएक्शन नहीं देंगे। इसमें हमारा सेकंड आ जाता है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हमारा हेलोजन एसिड का हमारा एडिशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है HCl, HBr, HI और HF इनका एडिशन करवाते हैं। हम सिंपली जो है साइक्लोप्रोपेन लेंगे, उसका हम जो है HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमारा एक हाइड्रोजन जो है वो हमारा एक तरफ अटैच हो जाएगा और दूसरा हमारा Br जो है वो हमारा दूसरी साइड अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे 1-bromopropane फॉर्म हो जाएगा। और हमारा साइक्लोब्यूटेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। और हमारा साइक्लोब्यूटेन और हमारा हायर जितने भी साइक्लोएल्केन्स है वो हमारा ये वाला रिएक्शन भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम जो है रिडक्शन करते हैं, सिंपली हम जो है हाइड्रोजन एटम का एडिशन करवाएंगे। ओकर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल। ये रिएक्शन जो होता है हमारा निकल की प्रेजेंस में होती है। इसमें हमारा होता क्या है, हम सिंपली साइक्लोप्रोपेन लेते हैं, उसका हम जो है H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और हमारा टेम्परेचर जो है वो हम 80 डिग्री सेट करते हैं। इसमें हमारा जो है यहाँ पे प्रोपेन बन जाएगा। हमारा बेसिकली हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हमारा ब्रेक होकर हमारा चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमारा साइक्लोब्यूटेन के साथ होता है। साइक्लोब्यूटेन भी हमारा H2 के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ निकल और हमारा यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हमारा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमारा 180 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं और ये भी हमारा एन ब्यूटेन फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शंस। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सेसमोर थ्योरी को एक्सप्लेन करा था और फिर उसके बाद हमने साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यहाँ पे हमें जो है बेंजीन के स्ट्रक्चर के एविडेंस के बारे में स्टडी करनी है। यहाँ पे हम एविडेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एनालिटिकल एविडेंस। एनालिटिकल एविडेंस में क्या होता है, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है हमारा बेंजीन का वो होता है हमारा C6H6। तो यहाँ पे हमारा जो ये इंडिकेट करता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा अनसेचुरेटेड रिंग या फिर हमारा अनसेचुरेटेड बॉन्ड जो है वो हमारा प्रेजेंट है। अब अनसेचुरेटेड बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड की, वो जो हमारे अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स में आते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है जिस तरीके से इसका फॉर्मूला है हमारा C6H6, ये हमें बताता है कि हमारा बेंजीन के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हमारा जो है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड एविडेंस आता है हमारा सिंथेटिक एविडेंस। सिंथेटिक एविडेंस क्या कहता है, बेंजीन हैव अनसेचुरेटेड। अब हमें पता है कि हमारा बेंजीन में कहीं ना कहीं डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, वो हमने एनालिटिकल एविडेंस के थ्रू हमने बता दिया था। सो इट कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। फिर यहाँ पे हम जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि हम जो है अब यहाँ पे हमारा जो है डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम उसको जो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड की तरह भी बना सकते हैं बेंजीन को। बट इट डिड नॉट बिहेव लाइक एल्किन्स एंड एल्काइन्स। अब स्ट्रेट चेन कंपाउंड में अगर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसको हम एल्किन या एल्काइन कहेंगे। अब ये जो है जब हम बेंजीन को ड्रॉ करते हैं हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड की तरह, तो वो जो हमारा एल्किन और एल्काइन की तरह बिहेव नहीं करता, मतलब ये जो हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव कर रहा है। सो इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो इस वजह से हम जो है इसको स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं बनाते हैं। थर्ड आता है हमारा अदर एविडेंस। अदर एविडेंस में हम स्टडी करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेंजीन एडिट 3 moles ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल टू गिव साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हमने बेंजीन लिया, उसको हमने रिएक्ट कराया 3 mol H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा साइक्लोहेक्सेन में। दिस कन्फर्म दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और ये जो हमारा बता देता है कि हमारा बेंजीन जो है वो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है एंड 3 double bonds, और ये बेंजीन में जो होता है हमारा 3 double bonds प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारा एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पे हमारा 1 mol हाइड्रोजन जो है वो हमारा अटैच हो जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे जो है 3 mol हाइड्रोजन जो है वो हमारा अटैच हो चुका है, तो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है 3 double bonds प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर को ड्राइव करा है। नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है कैलकुलस स्ट्रक्चर, सेकंड आता है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर और थर्ड आता है हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस स्ट्रक्चर की। तो कैलकुलस स्ट्रक्चर जो है हमारा कैलकुलस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो सजेस्ट करा था हमारा बेंजीन का। इन्होंने बताया था कि हमारा बेंजीन जो है वो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें हमारा एक कार्बन जो है वो हमारे अदर एडजेसेंट 2 carbon के साथ कनेक्टेड होता है और इसमें हमारा टोटल 6 carbon प्रेजेंट होते हैं। मतलब हमारा ये जो है 6 carbon कंपाउंड है एंड ये जो हमारा फॉलो हकल रूल, और ये जो हमारा हकल रूल को फॉलो करता है जिसकी वजह से ये जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है।
तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेट स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। नेक्स्ट अब हम सेकंड बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस में हम जो है बात करते हैं मॉलिकुलर फार्मूला की। मॉलिकुलर फार्मूला था हमारा बेंजीन का C6H6। मॉलिकुलर वेट होता हमारा 78 ग्राम पर मोल। बॉन्ड एंगल हमारा बेंजीन का होता है 120 डिग्री। और SP2 हाइब्रिडाइज जो है हमारे कार्बन एटम्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हमारी 1.40 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के बीच में होती है। और नेक्स्ट हमारा आता है 1.9 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये जो होता है हमारा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमारा बॉन्ड लेंथ होती है। तो इस तरीके से हमारा जो है केमिकल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। देर आर कंटिन्यूसली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे हमारा जो कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन होती है हमारी पाई बॉन्ड्स की। यहाँ पे हमारा रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है हमारी 36 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ पे हमारा इस तरीके से हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है हमारा बेंजीन का। ये हमारा जो पाई बॉन्ड्स है वो हमारा कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होते रहते हैं और इस तरीके से हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और इसमें हमने जो है बेंजीन के सभी एविडेंस के बारे में स्टडी करी थी और फिर उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करी थी। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे जो है 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं जिसमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। और इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 7 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कम्प्लीटली सेक्शन सी जो है वो हमारा 35 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शंस एंड यूजेस ऑफ एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स। हमें जो है स्ट्रक्चर बताना है, सिंथेसिस बतानी है, रिएक्शंस बतानी है और यूजेस बताने हैं हमारे एंथ्रासीन के डेरिवेटिव्स के। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हमारा जो है 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है जो कि आपस में फ्यूज्ड होती हैं, उसे हम कहते हैं एंथ्रासीन। इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं सिंथेसिस कि किस तरीके से हम जो है लैब्स में एंथ्रासीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है बाय हॉवर्ड सिंथेसिस। हम जो है हॉवर्ड सिंथेसिस की हेल्प से एंथ्रासीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बेंजीन लेंगे, उसको हम रिएक्ट करेंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और यहाँ पे हमारा फिडलक्राफ्ट असाइलेशन प्रोसेस होती है और ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ओ बेंजोइल बेंजोइक एसिड में। और फिर हम जो है इसको ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और यहाँ पे हमारा जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 9-10 एंथ्राक्विनोन में। और फिर हम जो है 9-10 एंथ्राक्विनोन को हीट देते हैं और जिंक के प्रेजेंस में और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है एंथ्रासीन में। तो इस तरीके से हम जो है एंथ्रासीन की सिंथेसिस कर सकते हैं बाय हॉवर्ड सिंथेसिस। सेकेंड मेथड आता है हमारा एंथ्रासीन के सिंथेसिस का फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। हम जो है बेंजाइल क्लोराइड की हेल्प से भी हम जो है एंथ्रासीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है दो बेंजाइल क्लोराइड के ग्रुप ले रहे हैं, उसको हम आपस में रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और यहाँ पे हमारा जो है 9-10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन बन जाता है। फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं जिसके थ्रू हमारा ये दो हाइड्रोजन जो है वो हमारे रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा एंथ्रासीन मिल जाता है। थर्ड आता है हमारा बाय एल्ब्स रिएक्शन। बाय एल्ब्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम ओ मिथाइल बेंजोफिनोन को हम रिएक्ट कराते हैं 450 डिग्री सेल्सियस पर। ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा एंथ्रासीन में और यहाँ पे हमारा जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम एंथ्रासीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा बाय डाई एल्डर रिएक्शन। हम जब डाई एल्डर रिएक्शन की हेल्प से भी हम एंथ्रासीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले लेते हैं 1,4 नेप्थाक्विनोन लेंगे, उसको हम रिएक्शन कराएंगे 1,3 ब्यूटडाइन के साथ और ये जो हमारा कन्वर्ट होगा हमारा इस कंपाउंड में। और फिर उसका हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH और यह हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा 9-10 एंथ्राक्विनोन में। और फिर हम उसका जो है रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और फिर हमारा वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा एंथ्रासीन में। तो इस तरीके से हम जो है एंथ्रासीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब्स में। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं एंथ्रासीन की। सबसे पहला हमारा आ जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, हम एंथ्रासीन लेते हैं, उसको हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO होल ट्वाइस O पे इन प्रेजेंस ऑफ हीट और ये जो हमारा 9 नाइट्रो एंथ्रासीन और हमारा 9-10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड आता है हमारा फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या करते हैं, हम एंथ्रासीन लेते हैं, उसको हम जो है एसाइल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और ये जो होता है हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा 9 एसिटाइल एंथ्रासीन में। थर्ड आता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करते हैं, हम एंथ्रासीन लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं हम Na/इथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट और वो जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली 9-10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन में। फोर्थ करते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, हम एंथ्रासीन लेते हैं, उसको हम रिएक्शन कराते हैं Na2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 9-10 एंथ्राक्विनोन में। तो इस तरीके से हमारा केमिकल रिएक्शन थी हमारी एंथ्रासीन की। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम जो है एंथ्रासीन और उसके डेरिवेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। यूजेस देखते हैं हम, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन के मैन्युफैक्चरिंग में जो है हम यूज़ करते हैं एंथ्रासीन का और एंथ्रासीन के डेरिवेटिव्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये जो हमारा डाइज में यूज़ होता है,
प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होता है हमारा वुड में, और हमारा इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ होता है हमारा क्रॉप्स में, और हमारा एंटी कैंसर एजेंट्स की तरह भी हम एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं। इसका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव जो है वो हमारा है 910 एंथ्राक्विनोन। आप जो इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, डेरिवेटिव्स में हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा 910 एंथ्राक्विनोन। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर, सिंथेटिक रिएक्शंस और उनके यूज़ के बारे में स्टडी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैक्रिन, बीएससी एंड क्लोरामिन टी। हमें इन तीनों के स्ट्रक्चर और उनके यूजेस के बारे में स्टडी करनी है। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है सैक्रिन। सैक्रिन का हमारा केमिकल नेम होता है बेंजोइक सल्फामाइड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और इसके यूजेस होते हैं हमारा, ये जो है स्वीटनर की तरह यूज़ करा जाता है, और ये जो हमारा प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज़ करा जाता है। सेकेंड आता है हमारा बीएचसी। बीएचसी की फुल फॉर्म होती है हमारी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसमें हमारा सिंपली बेंजीन होता है, उसमें हमारा 6 क्लोराइड ग्रुप जो है अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। ये जो था हमारा इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ करा जाता है, और ये जो था हमारा लाइस के ट्रीटमेंट में और स्कैबिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करा जाता है। थर्ड आता है हमारा क्लोरामिन टी। क्लोरामिन टी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और नेक्स्ट हम इसका यूज़ देख लेते हैं। ये जो था हमारा एंटी माइक्रोबियल होता है, डेंटल प्रोडक्ट्स में यूज़ करा जाता है, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ करा जाता है, एग्रीकल्चर्स में यूज़ करा जाता है, और डिसइंफेक्टेंट्स की तरह भी यूज़ करा जाता है। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर और यूजेज ऑफ सैक्रिन, बीएससी एंड क्लोरामिन टी। गाइस इसी के साथ हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और इसमें हमने जो है सैक्रिन, बीएससी और क्लोरामिन टी के स्ट्रक्चर एंड यूजेज के बारे में स्टडी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एरोमेटिक अमीन्स। सबसे पहले हमें जो है एरोमेटिक अमीन्स की डिफाइन देनी है, एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, और फिर हमें जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताना हमें एनिलीन का। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एरोमेटिक अमीन्स होते क्या हैं। वैन NH2 ग्रुप रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑन बेंजीन एंड इट फॉर्म्ड एरोमेटिक अमीन्स। बेसिकली इसमें क्या होता है हमारा, इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझिए, ये हमारा बेंजीन होता है। बेंजीन में हमारे 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। अगर हम इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं हम NH2 ग्रुप से, अगर हम NH2 ग्रुप से हम इसको एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है एरोमेटिक अमीन्स। तो इस तरीके से हमारा एरोमेटिक अमीन्स का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं एनिलीन का। एनिलीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, हमारा N एटम के ऊपर जो हमारे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर जो है वो हमारे यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये जो हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और यहाँ पे हमारा नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर दोनों मिलकर यहाँ जो है डबल बॉन्ड्स क्रिएट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, वही हमारा बता रखा है, ये वाला डबल बॉन्ड जो था वो हमारा ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है इस वाले डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अब ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ये दोनों मिलके जो है डबल बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज जो है इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये होता है। फिर हमारा ये क्या करेगा, हमारा ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और फिर हमारा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये दोनों मिलके हमारा जो है इस तरीके से बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, और ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कंपाउंड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स की, कि हमारा एरोमेटिक अमीन्स बेसिसिटी क्यों शो करते हैं। अमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। बेसिकली हमारा अमीन्स जो होते हैं वो हमारा बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उनके पास जो होता है हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एटम्स। क्योंकि हमारा अमीन्स जो है अमीन्स है, अब ये वाले अमीन्स है, अब ये जो हमारा एन एटम है, एन एटम के ऊपर हमारे जो है ये लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये जो हमारा बेसिसिटी शो करता है। एंड इट कैन डोनेट ईजली एंड हैंस इट एक्ट एज लुइस बेस। और ये जो होता है इस लोन पेयर को जो है ईजिली डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा लुइस बेस की तरह एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा अमीन्स जो होता है एरोमेटिक अमीन्स वो बेसिसिटी शो करते हैं। बेसिसिटी ऑर्डर्स जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, कि हमारा 2 डिग्री अमीन्स जो होते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, फिर आता है हमारा 3 डिग्री अमीन्स, और फिर आता हमारा 1 डिग्री अमीन्स, और सबसे एंड में आता हमारा एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं वो हमारे सबसे कम बेसिक होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स की। इसमें हमें स्टडी करनी है कि जब भी हम कोई भी ग्रुप का एडिशन कराते हैं या फिर कोई भी सब्सटीट्यूएंट्स लगाते हैं कोई भी एरोमेटिक अमीन्स में, तो उसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है। बेसिकली हमारा सब्सटीट्यूएंट्स की बात आती है तो यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ 2 तरीके के सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, या तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या फिर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। चलिए बात करते हैं हम पहले वाले की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रो और साइनाइड। तो ये ग्रुप्स कौन से होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है हमारे एरोमेटिक अमीन्स में वो डिक्रीज हो जाती है।
अब जैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा बेसिसिटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारा बेसिसिटी को डिक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि अपनी डेंसिटी को भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी एरोमेटिक अमीन्स में डोनेट कर देते हैं। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है NH2, OH एंड OR। तो ये हमारे ग्रुप्स हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब ये जब भी हमारा एरोमेटिक अमीन्स के साथ अटैच करते हैं तो ये क्या होता है हमारा, ये जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी उसको दे देंगे, जिसके वजह से हमारा एरोमेटिक अमीन्स में जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज़ होगी तो हमारी स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो हमारा बेसिसिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये इफेक्ट करता है हमारा बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो हमारा बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो हमारा बेसिसिटी डिक्रीज होगी। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ गाइस हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इसमें हमने जो है एरोमेटिक अमीन्स की डिफाइन के बारे में स्टडी करी थी, फिर हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा था एनिलीन का, उसके बाद हमने एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी के बारे में स्टडी करी थी, और फिर हमने जो है इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट के बारे में स्टडी करी थी कि अगर हम कोई भी एरोमेटिक अमीन्स में कोई भी सब्सिट्यूएंट का एडिशन करवाते हैं तो उससे हमारा बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने जो है एरोमेटिक अमीन्स को बहुत अच्छे से डिटेल में कम्प्लीटली स्टडी कर ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाईफिनाइल मिथेन। हमारे डाईफिनाइल मिथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, हमारा बीच में हमारा मिथाइल ग्रुप होता है और यहाँ पे हमारे दो जो है फिनाइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। इजिली हम जो है कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू हम जो है इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसमें हमारा ये वाला ग्रुप जो है वो हमारा बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और ये जो हमारा डाईफिनाइल मिथेन बना देगा और यहाँ पे हमारा HCl रिलीज हो जाएगा। सेकेंड मेथड आता है हमारा फ्रॉम बेंजीन। हम जो है दो मॉलिक्यूल्स लेंगे हम बेंजीन के, उसको हम रिएक्ट कराएंगे CH2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और ये जो है हमारा डाईफिनाइल मिथेन बना देगा। थर्ड आता है हमारा फ्रॉम बेंजोफिनोन। हम सिंपल बेंजोफिनोन लेते हैं, उसको हीट देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HI फॉस्फोरस, और वो जो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा डाईफिनाइल मिथेन में। फोर्थ आता है हमारा फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। हम जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं हम बेंजाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HI या फिर फॉस्फोरस, और वो जो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट होता है हमारा डाईफिनाइल मिथेन में। तो इस तरीके से हम जो है डाईफिनाइल मिथेन की सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डाईफिनाइल मिथेन। हम जो है इसमें देखना है कि हम कहाँ कहाँ हम जो है डाईफिनाइल मिथेन का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आता हमारा इट इज़ यूज्ड इन सोप इंडस्ट्रीज फॉर फ्रेग्रेंस। ये जो था हमारा फ्रेग्रेंस के लिए हमारा जो है सोप इंडस्ट्रीज में यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये जो था हमारा पेस्टिसाइड्स की तरह और इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ करा जाता है। थर्ड आता है इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। हमारा ये जो था हमारा पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करा जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने डाईफिनाइल मिथेन के स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। यहाँ पे हमें जो है बताना कि फिनॉल जो है एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, उसकी एसिडिटी के बारे में बताना है, और फिर हमें जो है इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट बताना है कि अगर हम कोई भी सब्सिट्यूएंट का एडिशन कराते हैं फिनॉल्स में तो उसके एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हमारा सबसे पहले देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, कि हमारा फिनॉल जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर क्यों शो करता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड्स। बेसिकली हमारा ये क्या कह रहा है कि हमारा फिनॉल में जो होता है हमारा पोलर OH बॉन्ड्स होता है, जिसकी वजह से वो जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये बेंजीन है, बेंजीन में हमारे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब 6 में से कोई भी एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करके वहाँ पर OH ग्रुप लगा देंगे, ये हमारा बन जाएगा फिनॉल। अब ये फिनॉल का अगर OH ग्रुप हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा इस तरीके से होता है हमारा ये O, और ये हमारा अटैच होता है H से। तो ये वाला जो हमारा बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं OH बॉन्ड। अब ये क्या होता है हमारा O जो है वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से ये जो हमारा हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये हमारा ज़्यादा पोलर हो जाएगा। तो हमारा ये ज़्यादा पोलर हो जाएगा तो इस वजह से ये जो है जब भी फिनॉल डिसोसिएट होगा तो बहुत ईजिली ये जो है H+ आयन को रिलीज कर देगा। अब जो भी कंपाउंड ईजिली H+ आयन को रिलीज कर देता है वो उतना ही हमारा जो है एसिडिक करेक्टर शो करता है। जितनी जल्दी वो H+ आयन रिलीज कर देगा उतना ही ज़्यादा वो जो है एसिडिक करेक्टर शो करेगा। तो इस तरीके से हमारा फिनॉल जो है वो हमारा एसिडिक करेक्टर शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल बिकॉज बोथ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा ये जो है फिनॉल का स्ट्रक्चर है। अब फिनॉल में हमारा जो है ये H+ आयन जब रिलीज होगा तो यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा O पे। अभी नेगेटिव चार्ज क्या होता है हमारा ऑक्सीजन जो है वो हमारा डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे कार्बन से, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे रिंग से। तो हमारा ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा रिंग में चला जाएगा और रिंग में जाकर हमारा जो है ये रेजोनेंस के थ्रू हमारा जो है स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा ये यहाँ पे कह रहा है कि हमारा ये जो हमारा फिनॉल और हमारा फिनॉक्साइड आयन
एन जो है वो हमारा स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, तो इस वजह से हमारा जो है ये फिनॉल जो होता है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है हमारा एल्कोहल से। बट हमारा एल्कोहल में ऐसा नहीं होता, तो हमारा एल्कोहल में क्या होता है, हमारा OH बॉन्ड जो होता है, अब इथेनॉल है, इथेनॉल में जो हमारा H प्लस आयन जब रिलीज होगा तो हमारा ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो उसको हमारा जो है स्टेबलाइज करने के लिए या फिर कंपनसेट करने के लिए कोई भी वहाँ पर रिंग प्रेजेंट नहीं है जो कि उस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू या फिर किसी और प्रोसीजर के थ्रू उसको जो है स्टेबलाइज कर दे। तो इस वजह से हमारा एल्कोहल जो होता है वो हमारा कम एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल, और वही हमारा बता रहा है कि हमारा फिनॉल जो है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि वहाँ पर जो हमारा बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग में वहाँ पर रेजोनेंस होता है। तो इस तरीके से हमारा फिनोक्साइड आयन जो होता है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। अगर हम फिनॉल्स में कोई भी सब्सटीट्यूएंट लगाते हैं, सब्सटीट्यूएंट ग्रुप अटैच करते हैं, तो उसमें हमारा जो है फिनॉल की एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब कोई भी सब्सटीट्यूएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट्स आ जाते हैं। सब्सटीट्यूएंट्स जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, या तो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या फिर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो हमारा स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज होएगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा एसिडिटी भी इंक्रीज होएगी। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से हमारा स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारा एसिडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है इफेक्ट होता है हमारा सब्सटीट्यूएंट्स का। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो हमारा एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने फिनॉल्स की एसिडिटी के बारे में भी देख लिया कि हमारा फिनॉल जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, और फिर हमने इसकी जो है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट के बारे में भी देख लिया था कि अगर हम कोई भी सब्सटेंट का एडिशन कराते हैं फिनॉल्स के ऊपर तो उसकी एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू ऑफ फैट एंड ऑयल्स। यहाँ पे हमें बताना है कि एसिड वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए हमारा उसका जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर के बारे में हमें डिस्कस करना है। बेसिकली हमें एसिड वैल्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हमारा सबसे पहले प्रिंसिपल आ जाता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय डायरेक्टली टाइट्रेटिंग द फैट एंड ऑयल्स इन एल्कोहलिक मीडियम अगेंस्ट स्टैंडर्ड KOS सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, हम फैट और ऑयल्स का हमें जिसका एसिड वैल्यू डिटरमाइन करना है उसको हम लेते हैं, उसको जो है एल्कोहलिक मीडियम में हम जो है टाइट्रेट करते हैं KOS सॉल्यूशन के साथ, और इस तरीके से हम जो है एसिड वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, डिजॉल्व 10 ग्राम ऑफ सैंपल इन 50 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल एंड ईथर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथेनॉल और ईथर का हम जो है इक्वल वॉल्यूम का मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे। हमने 50 ml जो है मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया, अब 50 ml मिक्सचर में हम जो है 10 ग्राम जो है सैंपल डालेंगे, उसको अच्छी तरीके से डिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर सैंपल क्या है हमें, जी ये जो ऑयल और फैट जिसका हमें जो है एसिड वैल्यू मेजर करना है उसको हम जो है सैंपल के तौर पर लेंगे और उसको अच्छी तरीके से डिजॉल्व करेंगे। देन न्यूट्रलाइज विद 0.1 मोलर KOH एंड एड फिनोफ्थ्रिन एज इंडिकेटर। और फिर क्या करेंगे, हम उसको जो है फिनोफ्थ्रिन इंडिकेटर उसमें डाल के और फिर उसको जो है न्यूट्रलाइज करेंगे 0.1 मोलर KOH के साथ। फिर हम क्या करेंगे, हमने जो है इंडिकेटर डाल के उसको जो है टाइट्रेट कर लेंगे उसको 0.1 मोलर KOH के साथ, और फिर हम जो भी रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे, और फिर हम जो है उसको जो है इसमें डाल के इजिली एसिड वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारा एसिड वैल्यू का फॉर्मूला है, 5.61 मल्टीप्लाई बाय एन, एन के हमारा रीडिंग जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हमारा सैंपल वेट, सैंपल वेट हमने कितना लिया था 10 ग्राम, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, और जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसको हम एन की जगह रख देंगे। तो इस तरीके से हम जो है एसिड वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इट मेजर द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। ये जो होता है हमारा हेल्प करता है फ्री फैटी एसिड्स को मेजर करने के लिए कि कितना हमारा ऑयल और फैट में हमारा फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। सेकंड आता है एसिड वैल्यू इंक्रीजेज, ऑयल इज़ अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जितना ज़्यादा हमारा एसिड वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा हमारा ऑयल जो है वो हमारा अनसेफ होगा हमारा ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने एसिड वैल्यू के प्रिंसिपल, प्रोसीजर और सिग्निफिकेंस के बारे में स्टडी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेज ऑफ फिनेंथ्रिन एंड ट्राइफिनाइल मिथिन। यहाँ पे हमें जो है फिनेंथ्रिन और ट्राइफिनाइल मिथिन के स्ट्रक्चर और मेडिसिनल यूजेस के बारे में स्टडी करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है फिनेंथ्रिन की, तो फिनेंथ्रिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब फिनेंथ्रिन का स्ट्रक्चर और हमारा एंथ्रेनथ्रिन का स्ट्रक्चर दोनों का लगभग सेम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसमें हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा एंथ्रेनथ्रिन की जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें बेंजीन रिंग जो है बिल्कुल सीरीज में अटैच होती है, बट हमारा फिनेंथ्रिन में हमारा ऐसा नहीं होता। हमारा फिनेंथ्रिन में हमारा एक रिंग जो है वो हमारी ऊपर होती है और बाकी दो रिंग जो होती है वो हमारी नीचे होती है। तो इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम इसका यूज देख लेते हैं, इट इज़ यूज टू मेक डाइज, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स। ये हमारा फिनेंथ्रिन जो होता है वो हमारा डाइज बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज़ होता है। इट इज़ एक्सप्लोसिव इन नेचर, और ये जो होता है हमारा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग बाइल एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स, और ये जो होता है हमारा बाइल एसिड बनाने में, कोलेस्ट्रॉल बनाने में और स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है।
तो इस तरीके से हमारे ये कुछ यूजेज होते हैं हमारे फिनेंथ्रिन के। नेक्स्ट अब बात आती है हमारी ट्राईफिनाइल मीथेन की। ट्राईफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारा जो है बीच में हमारा मीथेन ग्रुप है CH, और हमारा जो है यहाँ पे तीन फिनाइल ग्रुप है हमारे, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ पे हमारा तीन फिनाइल रिंग है और बीच में हमारा जो है मीथेन है। तो इस तरीके से हमारा ट्राईफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम इसका यूजेज देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन डाइज, ये जो तो हमारे डाइज में यूज़ करा जाता है। इट यूज़ इन टेक्सटाइल एप्लीकेशंस, और इसकी जो हमारी टेक्सटाइल एप्लीकेशंस होती है बहुत सारे क्लॉथ्स को मतलब कलर करने के लिए हमारा जो है इसका यूज़ करा जाता है। एंड इट इज़ यूज इन प्रिंटिंग इंक्स, और ये जो था हमारा प्रिंटिंग इंक्स जो भी हमारा प्रिंट निकालते हैं हम पेपर पे, उनकी इंक्स में भी हम जो है ट्राईफिनाइल मीथेन का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनेंथ्रिन एंड ट्राईफिनाइल मीथेन। तो उम्मीद है गाइज आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइज इसी के साथ आज हमने बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ड्यू का 2022-23 का AKDU का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।